कृपया ध्यान रखें कि चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस YouTube चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। चैन दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस $27,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुबह सुबह हमने देखा 9 बजे के आसपास इंडियन टाइम बिटकॉइन का प्राइस $26,900 के आसपास आ गया था। जैसे ट्रेंड के हिसाब से सही काम कर रहा है। ट्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे, ऊपर यहाँ पर ग्रीन लाइन, नीचे ग्रीन लाइन, इस टाइप से ऊपर ऊपर जा रहा था। जैसे हम क्या करते थे, मार्केट जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, एक लॉन्ग खोला कि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, लॉन्ग खोल के अच्छा खासा पंप हुआ, फिर $27,000 के आसपास गया, प्रॉफिट बुक किया, रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरी, अगेन 26,226 के आसपास आई, मार्केट अगेन उठी, तो हमने लाइन को लंबा खींचा, इस लाइन को भी लंबा खींचा। तो ऊपर है वो रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे वो सपोर्ट ले रहा है, इस तरीके से एक रेंज बनाया मार्केट ने। रेंज हमने एक दो बार इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, फॉर एग्जांपल आप देखेगा यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, गिरी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, तो इस लाइन को हम लंबा खींच सकते पहले से। आगे चार्ट में आप यहाँ पर सपोर्ट जैसे कन्फर्म होता है, लॉन्ग खोला, ऊपर हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस ले रहा है, प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट खोला, यहाँ पर प्रॉफिट अगेन बुकिंग एरिया है। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस, यहाँ पे बनता है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आप कर सकते हैं, बाकी आप खुद भी जांच कर सकते हैं, और आगे थोड़ा इंतज़ार करना है। यहाँ पे लॉन्ग भी नहीं बन रहा है, शॉर्ट भी नहीं बन रहा है, सीधी सी बात, यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिएगा। मार्केट अभी ये सपोर्ट एरिया के ऊपर आके रुकी है, सपोर्ट ली है या नहीं ली वो भी नहीं कह सकते, ब्रेक डाउन हुई या नहीं हुई वो भी नहीं कह सकते हैं। एक आध दिन यहाँ पर एक आध कैंडल देखेंगे, मे बी क्लियर हो जाएगा, या तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर भी इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। क्या मार्केट 26,800 का सपोर्ट एरिया है, 26,800 तक, उससे अगर 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकडाउन क्लोज होके इस तरीके से कुछ रीटेस्ट करके अगर वापस घूमने की कोशिश करती है मार्केट, तो अगेन यहाँ पर नया शॉर्ट बना सकते हैं। बट थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम में बताऊँगा, कुछ दिशा है बताऊँगा, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, शॉर्ट टर्म, बाकी लॉन्ग टर्म देखेंगे कि जैसे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर ब्रेक हो गया, रीटेस्ट होके घूमना स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी बड़ा डंप, पहला टारगेट 25,900, दूसरा जो टारगेट है लंबे वाला टारगेट हम देख रहे हैं कि भाई आखिरी बॉटम वाली बात अगर बन जाती है, सामने थोड़ा पैनिक वाला माहौल भी है, तो मार्केट 23,800 के आसपास आ सकती है। वन साइड एनालिसिस, अभी फिलहाल इसके ऊपर फोकस कीजिए। मैंने ये जो लंबा दिखा दिया वो स्पोर्ट वालों के लिए दिखाया है, फ्यूचर्स ट्रेड में ये भी हो सकता है ना कि थोड़ा मार्केट गुमराह करने के लिए ये सपोर्ट ले और यहाँ से मार्केट में $1,000 की जंप लग जाए और जंप लगने के बाद वहाँ से डंप लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो स्पोर्ट वाले के लिए सीधी दिशा है, क्योंकि स्पोर्ट में लॉन्ग टर्म देखते हैं, फ्यूचर्स एक एक दिन का होता है, तो फ्यूचर्स वाले एक आध दिन यहाँ पर वेट करें। बाकी जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ अपडेट है, जैसे कि हम 2 दिन पहले भी कवर कर चुके हैं और आज अगेन एक बार कवर करते, CPI डाटा US की तरफ से, CPI मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन डाटा आता है उसके ऊपर जब वो डाटा आता है, उन टाइम के अंदर क्रिप्टो में भी वॉलीटिलिटी होती है, पंप डंप होता है, पहले तो बहुत बड़े बड़े होते, लास्ट 2-3 महीने से उतने नहीं दिख रहे, बट पहले $2,000-3,000 के मोमेंट इमीजेंटली देखने को मिलते थे। अभी ये डाटा के ऊपर हमें ध्यान रखना है, डाटा आना है कल के दिन 12 अक्टूबर 2023 को, बाकी एग्जिट जो टाइमिंग है वो टेलीग्राम में बता देंगे डाटा आने से पहले। तो टेलीग्राम का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रखें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो टेलीग्राम में जाती है, छोटी मोटी कोई अर्जेंट अपडेट आ जाती है टेलीग्राम में पेस्ट हो जाता है और तुरंत आपको मिल जाती है। यूट्यूब में वीडियो बनाने में टाइमिंग लग जाता है और वीडियो डालते हैं और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन कभी नहीं भी पहुँचते कुछ इश्यू के कारण, तो फिलहाल आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। आज और कल 2 दिन मार्केट में कुछ वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। सामने एक और बात चल रही है, युद्ध, मतलब कि इसराइल का जो बम धड़ाके हुए हैं उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट है, ऊपर से US का डाटा आ रहा है, तो थोड़ा फ्यूचर ट्रेड में ध्यान दें। बाकी स्पोर्ट एवरेज अच्छा है, काफ़ी मार्केट डाउन है, DCA कंटिन्यू है, अभी DCA एंड SIP का टाइमिंग है, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर बिटकॉइन, इथर, पहले तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सारा सस्ता आएगा, और अभी थोड़ा और इफेक्ट युद्ध वगैरह का आया, थोड़ा डराने की कोशिश हुई, तो और थोड़े क्रिप्टो करेंसी सस्ते मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिए। बाकी आप DCA वगैरह करें, आपके फेवरेट क्रिप्टो करेंसी जिसका अच्छा खासा यूज़ केस हो, काफ़ी जांच करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी रिस्की है, अनरेगुलेट है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, और एक्सचेंज यूज़ करने में भी ध्यान दें, मल्टीपल एक्सचेंज का यूज़ करें, फ्यूचर ट्रेड मल्टीपल एक्सचेंज में करें, एक्सचेंज का कोई भी एक्सचेंज का भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट में एक एक्सचेंज कवर करते हैं, एक्सचेंज का नेम है FairDesk एक्सचेंज। आप कहोगे सागर भाई काफ़ी बार आप दिखाते हैं, बट मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज दिखाता हूँ और सभी में क्या नया है
वो शेयर करता हूँ। फेड डेज के अंदर ऊपर जो पेज चल रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्काउंट वाला, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हैं। फीस काफ़ी कम कट रहा है क्योंकि एक जन छोटा है, ये लोग कुछ ग्रो कराने के लिए मे भी फीस एक कम काट रहे हैं। ट्रेडिंग भी स्मूथली हो रहा है तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ओनली ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी फ्यूचर्स एंड स्पॉट। स्पॉट में ज़्यादा नहीं है ये, खासकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए बनाया गया है। बट इसमें आप इस ऊपर के पेज के अंदर जो अभी मैंने आपको दिखाया किसका सेकंड एनिवर्सरी है, काफ़ी यूएसडीटी का इसने रिवार्ड रखा है, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन रखा है, तो इसको सिलेक्ट करें, इसके ऊपर क्लिक करके इसके डिटेल्स पढ़े और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पर पार्टिसिपेट, देखिए मैं हो चुका हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, फिर ट्रेडिंग करेंगे तो काफ़ी सारे रिवार्ड्स दिए गए हैं। बाकी सेकंड बात, यहाँ पे आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो बात अलग है, कॉपी ट्रेडिंग भी रिस्की होता है, सामने अच्छा आपको ट्रेडर ढूंढना होता है, क्योंकि हमारे जैसा ही ट्रेडर है, आप किसी का ट्रेड कॉपी करेंगे तो उसका लॉस होगा तो हमारा भी लॉस होगा, तो ध्यान देके ही करना है चीज़ें, लॉस हो सकता है, कितना लेवरेज ले रहा है, सभी चीज़ें ध्यान देके यहाँ पे करना है। अगेन यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करने पे $1,000 जो कॉपी केस है वो आप धीरे धीरे पा सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू रेगुलर कॉपी ट्रेडिंग में जुड़ते हैं तो $1,000 जो कॉपी केस है वो भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना ध्यान से। बाकी आप आएंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो ये जो रिवार्ड हब है इसके अंदर भी कुछ रिवार्ड है वो मिलते हैं। KYC करने पे $2 हैं, फर्स्ट जो डिपॉजिट करेंगे तो up to $35,000 फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं तो up to $35,000 का रिवार्ड मिलता है। बाकी कॉपी केस है, मेरे को भी कुछ रिवार्ड मिले हैं, 2, 4, 6, 8, 9 डॉलर का मुझे बोनस मिला था, उससे ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट करके उससे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।